महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार प्रत्याशी को सिंबल जो है देकर के राजनीतिक मैदान में यानी कहें तो चुनावी मैदान में भेज रहे हैं। चार प्रत्याशी जो यानी कहें तो महागठबंधन की ओर से जो है वो सिंबल राजद के ही टिकट पर लेंगे। लालू यादव एकाएं कि सबको बुला रहे हैं, अपने आवास पर प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं। वहीं पर बात करें पाटलिपुत्रा लोकसभा से तो एक तरफ रामकृपाल यादव जो लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं यानी कहें तो 10 साल से वो हैं, और वहीं पर बात करें मीसा भारती जो है इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को इस बार मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि AMIM यानी ओवैसी की पार्टी से जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा पे जो है प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं। वहीं पर आज अतुल इमाम जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बिहार के 16 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतारने को लेकर के घोषणा कर दी। वहीं पर बता दें जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा है, अब बता दें कि MY समीकरण से जो है RJD चलती थे, लेकिन अब पाटलिपुत्रा क्षेत्र से जो है MY में जो है Y की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ, लेकिन M की जो समीकरण है वो AIMI यानी अतुल इमाम जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उतार सकते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं अतुल इमाम, सुनिए इस वीडियो में। आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है कि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफी आमानी दबाव है हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफी दबाव है कि MIM और सीटों से लड़े, तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं और कई कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का जिनका काराकट से ताल्लुक है, जनाब फारूक साहब का भी जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक है वो ज्वाइन कर रहे हैं, कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी के पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिल्ली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरते हुए जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ BJP का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क्यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते। हालांकि MIM अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया, हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम MP के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम को देंगे, इसलिए कोई इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई खास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की, बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खतरा रहता था कि हमारे आने से सिकुलरों का बिखराव होगा, इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सिकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकोल जो सेकुलर पार्टियां हैं ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को BJP का खौफ दिखाकर दबाकर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में जिस पर राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं क्योंकि मुस्लिम अकलियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपग्रेड नहीं हुआ है तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार